So, what is a politician? What are the characteristics of a politician? What is politics? पॉलिटिक्स में वो बात नहीं कर रही जो हम पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजेस में, जो हम एज अ सब्जेक्ट पॉलिटिक्स पढ़ते हैं. दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट टू द ओरिजिनल एंड द रियल पॉलिटिक्स इन दिस वर्ल्ड. कुछ पॉइंट्स हैं, पहले पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ, देन विल गो इन टू द डिस्कशन. वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो. दूसरे अपने जो आपका जो ओपोनेंट है, जो अपोज जो आपका जो कर रहा है आपको, उसको इंटिमिडेट कर देना. दैट इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट एंड द मेन थिंग इन पॉलिटिक्स. उसके बाद दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसका जो नैरेटिव है उसको डिसक्रेडिट कर देना. ऐसा नैरेटिव या ऐसी अफवाह फैलाना कि अगले बंदे का नैरेटिव जो है, जब वो बात करने पे आए तो वही डिसक्रेडिट हो जाए, उसको कोई बिलीव ही ना करे. एग्रेसिव बिहेवियर होता है पॉलिटिशियंस का. दे टेक हाई स्टेक्स, हाई रिस्क. झूठ बोलना इनका सेकेंड हैबिट नहीं, फर्स्ट हैबिट होती है. एंड यू हैव टू हैव नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स इन यू, मी 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 एंड मी. और ये होना जरूरी है टू बी अ पॉलिटिशियन. अब हम आते हैं इन सब की डिटेल में. इंटिमिडेटिंग योर ओपोनेंट, व्हाट इज दैट? इसका इंटिमिडेशन जो है वो ऐसे होता है कि इंसान, आप जब बात करते हैं, जो आपको पर्सनोवा होता है, जो आपका आपका जो पर्सनालिटी होती है, वो इतनी ओवरपावरिंग होनी चाहिए, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपका जो आगे आपके सामने जो इंसान है वो एकदम से रिजर्व डिफेंसिव में आ जाए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ पॉलिटिशियन, जो कि हम देख सकते हैं कि इमरान खान के में है और हमारे सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर में बिल्कुल नहीं आए. सो हिज वीडियो जो वो गया हुआ है, पता नहीं कहाँ पे, इजिप्ट के कहाँ गया हुआ है, एंड इट वॉज सो शर्म आ रही थी. एनी वे, डिसक्रेडिटिंग द नरेटिव ऑफ योर ओपोनेंट. उसमें होता यह है कि आप ये घर की पॉलिटिक्स में भी देख लीजिए. सासे जो है वो अपनी बहुओं को, बेटे को अपनी बहुओं के बारे में ऐसी बातें बता देती कि जब वो असली बात बताने लगती है तो वो उसकी बात नहीं सुनता. बीवियाँ अपने हस्बैंड को ऐसी बातें अपनी उसकी माँ के बारे में बता देती कि जब माँ अपनी क्लैरिफिकेशन देने लगती है तो उस बेचारी को कुछ सुनता ही नहीं है. दिस थिंग हैपन्स. ये छोटी पॉलिटिक्स है, घर की पॉलिटिक्स है. लेकिन जब आप इसको मेगा कर लें और वर्ल्ड पॉलिटिक्स या कंट्री पॉलिटिक्स में ले जाएं, तो ये यही है जो आजकल हो रहा है. जैसे इमरान खान को तो गोली लगी नहीं, इमरान खान ने, अच्छा उसे तो खुद ही मार ली थी अपने आप को गोली. तो वो तो चर्सी है, वो तो मतलब जो यू नो क्या हो भाई तुम लोग. एनी वे, बट दिस इज इट, दिस एग्जैक्टली दिस इज माई पॉइंट कि ये होता है पॉलिटिक्स में, तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए. एग्रेसिव बिहेवियर अप्रोच, वही इसमें पहले आ जाती है कि इंटिमिडेटिंग जो आप करते हैं अपने उसमें, यह कि आपकी अप्रोच इतनी एग्रेसिव होनी चाहिए. आप चाहे गलत ही बोल रहे हैं, आप खड़े होकर बोल रहे हैं कि इसका रात है और दिन सूरज निकला हुआ है, लेकिन आप इतना उसको कन्विंसिंगली बोलेंगे और इतना ज्यादा उसको एग्रेसिवली बोलेंगे कि जो सामने खड़ा हुआ बंदा है वो सोचेगा, अच्छा चलो ठीक है, हो सकता है शायद इस जहां ये खड़ा हुआ है वहां पर दे रहा हो, यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग. इतना एग्रेसिव होकर बोलते. टेकिंग हाई रिस्क, हाई रिस्क में ये होता है कि आप जो है जितना भी आप जो है हाई रिस्क आप लेते हैं और उसको आप, यानी आपको पता होता है कि हो सकता है तख्त या तख्ता वाले, बट यू डू इट, एंड इफ यू डोंट डू इट तो आप पॉलिटिक्स में सर्वाइव ही नहीं कर सकते. झूठ बोलना, झूठ बोलना जो है वो वाकई में जो है हमारे पॉलिटिक्स में, अगर आप झूठ नहीं बोल सकते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते. मैं पढ़ रही थी एंड फिर वही बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं से जो है वो कुरान ही निकल आता है. तो आई वॉज रीडिंग सूरा 34th सूरा है, मुझे नाम इसका याद नहीं आ रहा, मैं आपको लिख दूंगी. 34th सूरा की 32 आयत. ये बड़े लोग इन कमजोरों को जवाब देंगे कि क्या तुम्हारे पास हदायत आ चुकने के बाद हमने तुम्हें इससे रोका था? नहीं, बल्कि तुम तो खुद ही मुजरिम थे. तो ये जो बड़े लोग जिनकी जूती पॉलिशिंग हो रही है, जब कयामत के दिन इनसे हिसाब होगा, कहेंगे जी हमें तो, हमारे तो ये बड़े थे, हमने तो इनकी बूट पॉलिशिंग की थी और हमने तो इनके लिए पूछा था, तो वो कहेंगे कि हमने तुम्हें कहा था, हमने तो तुम्हें नहीं कहा था, तुम तो खुद ही कर रहे थे. तो ये शैतान वाली बात है. कयामत के दिन ये लोग आपका कब्र में और कयामत में हिसाब आपको खुद देना है, किसी की वजह से नहीं देना. अपने अमाल ठीक रखिए, अपना जमीर की आवाज सुनिए अगर है तो.
इसके जवाब में ये कमजोर लोग इन ये 33 आयत 34 सूरा की 33 आयत है, इनके जवाब में ये कमजोर लोग इन मुतकबरों से कहेंगे कि नहीं नहीं पहले दिन रात मुकर और फरेब से हमें अल्लाह के साथ कुफर करने और इसके शरीक मुकरर करने का तुम्हारा हुक्म देना हमारी बेईमानी का बाइस बना और अजाब को देखते ही सबके सब दिल में पशमान हो रहे होंगे और काफरों की गर्दनों में हम तौक डाल देंगे, इन्हें सिर्फ उनके लिए कराए आमाल का बदला दिया जाएगा। यानी कि वो लोग कहेंगे कि तुमने तुमने हमें कहा था, तुमने हमें इतना इंटिमिडेट किया था तो हम तुम्हारी बात मान गए, बट वो लोग कहेंगे हमें क्या, तुमने किया तुम भुगतो। अब ये जो है, ये जो बड़े जो लोग होते हैं पॉलिटिशियन, ये जाके तेरे मेरे को कह दिया जाओ उसको फलाने को कत्ल कर दो, जैसे इमरान खान के पीछे उन्होंने करवाया है, जिस बंदे ने गोलियां मारी हैं जब उसका हिसाब होगा और वो कहेगा मुझे तो फलाएं 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 ने कहा, तो कहेंगे ना सो व्हाट, उसका क्या है, तुमने मारा था तुमने, है ना, तुम अपना हिसाब दो। तो अपना जमीर ठीक करना चाहिए। इसी की आगे आया है, और क्या हम माल और औलाद में बहुत बड़े हुए हैं, ये नहीं हो सकता कि हम अजाब दिए जाएं। यानी कि वो इतना अपने आप को, दे आर सो प्राउड ऑफ देमसेल्व्स कि वो समझते हैं कि हमें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, तो लेकिन होगा, हिसाब होगा। और जब आप किससे हिसाब होगा और आप कहेंगे मुझे तो उसने कहा था कि ये काम कर दो इसलिए मैंने कर दिया, तो उस वक्त आपसे कहा जाएगा कि उसने कहा था, क्या तुम्हारा अपना दिमाग नहीं था, क्या तुम्हारे पास किताब नहीं आई थी, क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुमने क्या करना है, तुम्हारा अपना जमीर तुम्हारी अपनी अकल कहाँ थी। ये बात हम सब लोगों को वाकई में बैठ के सोचनी चाहिए, मजाक तो मजाक से रहा, लेकिन जो हो रहा है इट्स गेटिंग आउट ऑफ हैंड। लोग, मैं देख रही हूँ फेसबुक पे, वो बेचारे क्या नाम है आजम सवाती, उनके मैं देख रही थी लोग मजाक उड़ा रहे हैं, पता नहीं क्या नाउजबे लाते, बुरे बुरे लफ्ज लिख के, ये बूटा वो झूठा ये वो। देखिए कोई भी आके, आई डोंट थिंक कि कोई भी इंसान अपनी बेइज्जती इस तरह आके बाहर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आके बैठ के रोता है। इसी तरह इन्होंने वो शहबाज गिल के साथ किया था, उसका मजाक उड़ा था। इतनी ज्यादा जातियात और इतनी ज्यादा अंडर द बेल्ट इज नॉट ह्यूमन आई वुड से। कुरान नहीं पढ़ा हुआ ना, इसी का यही नतीजा है। दोनों का जाते जाते मैं आपको एक मुआवजना करके छोड़ के जा रही हूँ, बाकी आपके ऊपर छोड़ के जा रही हूँ। पीटीएम का बिहेवियर और पीटीआई का बिहेवियर, पीटीएम का बिहेवियर अगर आप देखें इन जनरल, मैं बिल्कुल बायस नहीं हूँ, मैं आपको एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग, ठीक है, एज अ नॉर्मल बिल्कुल मैंगो पर्सन, ठीक है, आम इंसान की तरह मैं आपको बता रही हूँ। पीटीएम की जो जितनी भी मैं देख रही हूँ, जहां भी उनके जो भी उनके बंदे हैं, ये जो भी उनके सगे हैं, उनका एग्रेसिव बिहेवियर है, उनका अंडर बिलो द बेल्ट कमेंट्स हैं, उनका वो लोग झूठ बोल रहे हैं जानते बूझते, और वो लोग बुलिंग कर रहे हैं। ये ट्रेड्स हैं जो पीडीएम की तरफ से आ रही हैं, ठीक है, थीके? और पीटीआई की जो जितनी भी मैं पोस्ट देख रही हूँ, वो इसको कंडेम कर रहे हैं, इस बिहेवियर को, सबसे पहले अपना हक मांग रहे हैं, दे आर बैलेंस्ड पीपल, और वो कह रहे हैं थ्रू प्रॉपर रूट जाओ, अगर हमारे पाकिस्तान में कुछ बचा है थ्रू प्रॉपर रूट, एंड दे आर ट्राइंग टू कीप देमसेल्व्स काम। दिस इज द बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि दैट इज माई फील्ड, तो मैं तो वो इसी तरफ से ही देखती हूँ। दिस इज द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द टू पार्टीज कम्पीटिंग इन पाकिस्तान एट द मोमेंट। आपने किसका साथ देना है, ये आपके जमीर की आवाज़ है, नहीं तो सूरा 34 की 32, 33, 34 एंड 35 आया, कुरान में खोल के एक दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा। टिल देन, जर्मन परदेसी, मिलजुल सुरुख।